गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शिवका सुस्मिता प्रधान। देखो आज हम स्टैंडर्ड 6 के एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, वो ही चैप्टर जैसे कि भारतीय कैलेंडर, ठीक है। नहीं, भारतीय कैलेंडर मतलब आप जानते हो कैलेंडर में क्या होते हैं कि हम उसमें डिफरेंट डेज दिखते हैं, फेस्टिवल होते हैं, नहीं डिफरेंट डेज होती है, मंथ्स होती है, देन ऑल्सो उधर से क्या लिखा जाता है कि डिफरेंट फेस्टिवल, कौन सी मंथ में कौन सी फेस्टिवल आती है, ये सारे के सारे जानकारी के लिए हम कैलेंडर दिखते हैं। ये सो नो देन तो हम आज थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे, मतलब और भी बहुत सारे चीजें होते हैं उसमें, ठीक है। नहीं आप उसको, आप लोग उसको पता नहीं होगा, शायद पता नहीं होगा, नहीं तो उनके बारे में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो उसमें से क्या होती है कि जिसमें से संवत का परिचय, हिंदी में क्या होती है कि महीनों के नाम होते हैं, उनके साथ साथ जो बोलचाल रूप, बोलचाल रूप मतलब ये गांव के लोग भी उनको थोड़ा सा चेंजेस करके कुछ बोलते हैं, नहीं तो उनके बारे में, देन पक्ष, जैसे हिंदी में जितने सारे तिथि, उनके बारे में दिया गया है, ठीक है ना, उनके बारे में हमें भी पता होना चाहिए ना, तो इसीलिए दिया गया है। आप थोड़ा सा इसमें से जितने सारे दिया गया है उनके बारे में जो है, उनके बारे में थोड़ा सा परिचित कराने के लिए, ठीक है ना, उनके इम्पोर्टेंस भी जानना चाहिए, कैलेंडर के इम्पोर्टेंस, ये सुनो, तो इसीलिए तो देखो मनुष्य की प्रगति के साथ साथ समय का मूल्य भी बढ़ता गया है। जब मनुष्य समय की कीमत समझने लगा है तब उसके लिए यह आवश्यक हो गया है कि उसका हिसाब रखें। इसके लिए उसने समय की गणना हेतु तिथि पत्र अर्थात कैलेंडर का निर्माण किया। अलग अलग देशों और अलग अलग जातियों ने अपने अनुसार विभिन्न प्रकार के कैलेंडर का निर्माण किया। अधिकांश कैलेंडर प्रकृति पर, विशेष रूप से चंद्रमा पर आधारित है। देन देखो कैलेंडर क्यों बनाया गया है, कैलेंडर बनाया गया है कि क्योंकि आर्यमैन के टाइम में उनके कुछ भी नहीं था, वो जंगल में रहते थे, मतलब अंधेरा हो जाता था तो उनको पता चल जाता था कि अभी अंधेरा हो गया है, देन सूरज आ जाता था तो उनको पता चलता है कि अभी सुबह हो गया है, देन जब क्या है कि जब चंद्र आ जाएगा, उनको चंद्रमा जब आ जाएगा उनको पता चलेगा कि अभी अंधेरा हो जाएगा, नहीं वो ऐसे टाइम को ऐसे दिखते थे। लेकिन जब जितने डेवलप होते गया तो उसने क्या किया कि टाइम को लिखने रखे, क्योंकि अभी इतने घंटों के बाद अंधेरा हो रहा है, इतने घंटों के बाद सुबह हो रही है, ऐसे वो टाइम को कैलकुलेट करके रखे। बहुत सारे भी क्या है कि जो मशीन भी इन्वेंशन किए है कि नहीं, आप तो पढ़े होंगे, नहीं तो धीरे धीरे ऐसे करना सीख गए, टाइम को इम्पोर्टेंस देना सीख गए, इसीलिए कैलेंडर बनाए, है कि नहीं। देन भारतीय ऋषियों और मुनियों ने सूर्य और चंद्रमा के परिभ्रमण से यह निर्धारित किया कि चंद्रमा के परिभ्रमण से एक मास में 19.5 दिन अर्थात एक वर्ष में 354 दिन और सूर्य परिभ्रमण से एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। मतलब भारतीय जितने सारे ऋषियों और मुनियों जितने सारे थे, वो सूर्य और चंद्रमा को देखकर, उनके जो परिभ्रमण को देखकर वो निर्धारित करते थे। देन देखो चंद्रमा क्या करते हैं कि परिभ्रमण करते हैं, मतलब एक मास के कब हो जाएगा कि 19.5 दिन में हो जाएगा, अर्थात वो क्या है कि 354 डेज में उनको भ्रमण परिभ्रमण करने के लिए लगती है चंद्रमा को। देन सूर्य भी ऐसे, सूर्य को 365 दिन लगती है परिभ्रमण करने के लिए, मतलब पृथ्वी को, ठीक है नहीं। तो उसमें से वो क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए, अभी भी वो ऐसे भी है, ठीक है नहीं। देन सूर्य और चंद्रमा के परिभ्रमण से होने वाले समय के इस अंतर को दूर करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 4वें वर्ष में 1 मास अधिक माना जाता है। देन तो मतलब ऐसे जो परिभ्रमण को लेके वो काउंट किए कि 4 क्या है कि वर्षों के बाद 1 अधिक मास होगा, ठीक है नहीं। देन इस प्रकार 3 वर्ष के बाद 4वां वर्ष 13 महीने का होता था, मतलब जब 3 वर्षों के बाद और एक क्या होता था कि उसमें से 13 महीने हो जाता था, क्योंकि ये जो सारे के सारे जो डेज रह गया वो उनको कैलकुलेट करते गए,
ठीक है नहीं, तो इसीलिए एक्स्ट्रा वन मंथ हो गया है। फेब्रुआरी जानते हो ना, फेब्रुआरी में जन एक एक बार क्या है कि लीप ईयर के बारे में, ऑर्डिनल ईयर रियल लीप ईयर के बारे में जानते हो नहीं, देन तो वो क्या होती है 365 डेज कैसे 366 डेज होती है उसको पता है आपको। देन वही वाला जो है क्या है कि वो जो वन डे एड हो जाती है फोर इयर्स के बाद, इसीलिए आती है जो क्या है कि हमारे फेब्रुआरी में 29 डेज होती है इसी के वजह से, क्योंकि वो जो कितने कितने घंटे जो इंटरवल रह गया वो एड हो जाती है उसमें से, ठीक है नहीं, तो इसीलिए वो 24 हो जाती है, आवर्स हो जाती है, तो एक दिन इसीलिए बढ़ जाती है, पता है कि नहीं ये कहा ये वाला। तो देखो तो उसमें से भारतीय कैलेंडर को पंचांग अथवा पत्रा भी कहा जाता है। पंचांग का अर्थ है पांच अंक, उसको पंचांग भी कहा जाता है। पंचांग क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके पांच अंग है। तो देखिए वही वाले जो पांच अंक क्या क्या है, सावत मास पक्ष तिथि वार या उसको दिन भी जो कहते हैं नहीं, ये है पांच क्या है कि अंग उनके है, इसीलिए उनको पंचांग भी कहा जाता है। पता चल गया कैलेंडर को क्यों पंचांग कहा जाता है। तो फर्स्ट हम दिखेंगे उसमें से पांच अंक से आएगा फर्स्ट संवत, है कि नहीं, फर्स्ट वन में आएगा संवत। देखो संवत के बारे में थोड़ा सा दिखेंगे, जैसे कि समस्त ऋतुएं के पूरे चक्र के संवत या संवत्सर कहते हैं। भारत में अनेक संवत प्रचलित है। संवतों का प्रचलित किसी ऐतिहासिक घटना या महापुरुष के स्वर्गवास से संबंध रहा है। काल को चार योग में बांटा गया है, मतलब जो ऐतिहासिक या क्या है कि महापुरुष उनके जो स्वर्गवास से उनके संबंध है, ठीक है नहीं, उनको रिलेटेड करके ये बनाया गया है संवत। तो जैसे कि वो मर जाने के बाद हमारे जैसे कि चार काल होते हैं, मतलब चार युगों होते हैं, जैसे कि सात युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये हमारे हैं चार काल का नाम। हम फर्स्ट वन में क्या पढ़ रहे हैं कि संवत, ठीक है ना, संवत में आएगा चार काल है। काल कितना होते हैं कि चार होते हैं नहीं, उसमें से क्या क्या होगी कि ऐसे जैसे कि चार युगों देन उसमें से नंबर वन में जैसे कि होगा सात युग, देन नंबर टू में आएगा त्रेता युग, देन नंबर थ्री में द्वापर युग, देन कलयुग, ये हो गया हमारे चार योगों के बारे में, है कि नहीं। तो देखो उसमें से क्या है कि जैसे कि हम बोले थे कि जो संवत कुछ महापुरुष या उनके मौत के बारे में, देन उससे ही स्टार्ट हो जाएगा एक, है कि नहीं, ऐसे हम डिफरेंट आज पढ़ेंगे। जैसे दिए गए अतः संवत भी कालानुसार प्रचलित हुए। सत युग में ब्रह्मा संवत, त्रेता युग में बामन संवत, परशुराम और राम संवत, देन द्वापर में युधिष्ठिर संवत और कलयुग में विक्रम संवत प्रचलित है। मतलब ऐसे डिफरेंट संवत में एक एक नाम को लेके वो बनी है कि नहीं। ये वाला जैसे कि हमारे क्या है कि सात युग में ब्रह्म संवत थे, है कि नहीं, त्रेता में बामन थे, परशुराम राम संवत, इससे डिफरेंट नाम को लेके से भगवान के नाम को रिलेटेड करके वो बनाया गया है कि नहीं। हाँ देन तो नेक्स्ट हम जैसे दिखेंगे, ऐसा माना जाता है कि वराह मिहिर ने उज्जैन को संकोक से मुक्त कराने में उपलक्ष्य में विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के दिन में विक्रम संवत आरंभ किया। देन उन दिनों से, है कि नहीं, जो हम संवत को लिए हैं कुछ महापुरुष के नाम से लिए हैं ना, तो इसीलिए उधर से ही स्टार्ट हुआ है विक्रम संवत। पता चल गया। देन विक्रम संवत उत्तर भारत में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, लेकिन दक्षिण भारत और
गुजरात में यह कार्तिक मास और कहीं कहीं आषाढ़ मास में से भी आरंभ होती है। तो ये जो डिफरेंट जो जैसे सुने के हम जो विक्रम संवत, वो कोई तो उत्तर भारत में कौन से महीने में की चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष में मनाते हैं, दक्षिण भारत में फिर अलग से महीने में, ठीक है ना, इससे डिफरेंट महीने में उनको मनाते हैं। तो विक्रम संवत के अतिरिक्त 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले शक या शालिवाहन संवत भी महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय शिलालेखों और अभिलेखों में शक संवत का उल्लेख मिलता है। सन 1957 से प्रचलित शासकीय संशोधित पंचांग की गणना शक संवत के अनुसार ही है, मतलब अभी से जो 1957 से जो चल रही है ये सारे के सारे क्या है कि संशोधित किया गया है। हाँ, ये सारे के सारे शासकीय से ये वाला गणना किया गया है, उनके अनुसार अभी जा रहा है कि नहीं। देन तो विक्रम संवत में से 57 वर्ष कम करने की ईस्वी सन और ईस्वी सन में से 78 वर्ष कम करके शक संवत ज्ञान कर सकते हैं। ईस्वी सन में 580 वर्ष कम करने पर इस्लाम के हिजरी संवत की गणना की जाती है। ऐसे जो गणना हम क्या है कि डिफरेंट जो गणना किया जाता है, मतलब ऐसे डेट में ये गिरता है, ये जो करते हैं उनके अनुसार ही करते हैं, है कि नहीं। देन अभी पढ़ेंगे मास के बारे में, ये संवत के बारे में गया, अभी पढ़ेंगे मास के बारे में, है कि नहीं। तो डिफरेंट जो मास के बारे में हम देखेंगे, ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, ऋग्वेद सबसे बहुत पुराना है ये, नहीं। देन उसमें से 12 मास और प्रत्येक मास में 30 दिन मानने का वर्णन मिलता है, मतलब उसमें से जो महीने हमारे कितने होती है कि महीने हमारे 12 होती है, उसमें एक मंथ में कितना डेज होती है, 30 डेज मानी जाती है, ठीक है ना, 30 दिन माने जाते हैं हमें। देन छोंदोग उपनिषद, देन छांदोग उपनिषद में नक्षत्र विद्या का उल्लेख है। देन जो छांदोग्य, छांदोग्य जो उपनिषद है उसमें सारे के सारे हमारे जो क्या है कि जो नक्षत्र के बारे में उल्लेख किया गया है, उनको लेके भी हमारे बनती है क्या कैलेंडर, नहीं। देन हिंदू महीने के नाम भी नक्षत्रों पर ही आधारित है, जितने सारे हमारे हिंदू में जितने सारे नाम दिया गया है उनके नाम किसके ऊपर है कि मतलब नक्षत्रों को बेस करके उनके नाम दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे 12 मासों के नाम आपको तो पता होगा, लेकिन ये वाला संस्कृत रूप, देन बोलचाल रूप भी हमें दिखेंगे ना, पता चलेगा ना, हमें उनके बारे में भी पता होना चाहिए ना, तो उनके बारे में दिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट आते हैं चैत्र, हम उसको बोलचाल रूप में बोलते हैं चैत, वो होती है हमारे इंग्लिश माहों में कितना होती है कि जैसे कि मार्च और अप्रैल में, ठीक है ना, ये जो चैत्र आती है। ऐसे वैशाख, वैशाखी आती है, उनको जो बोलचाल में बोलते हैं वैशाख, ठीक है ना, उसको बोलते हैं वैशाख, ये जो बोलचाल रूप में उसको बोलते हैं वैशाख। तो वो कौन सी इंग्लिश में कौन सी मंथ में आती है, वो आते हैं अप्रैल और मई में आते हैं ये, है कि नहीं। देन जैसे कि थर्ड वन आते हैं जेस्ट, उनको बोलचाल में बोलते हैं जेट, है कि नहीं। जेट आते हैं कौन सी मंथ में इंग्लिश में, मई और जून में रहती है ये, है कि नहीं। ये जो संस्कृत रूप है, बोलचाल रूप है और इंग्लिश मंथ है हम जो देखते हैं, हाँ। देन फोर्थ वन आ रहा है आषाढ़, देन आषाढ़ को बोलचाल में बोलते हैं आषाढ़, है कि नहीं। देन ओ जाती है जून और जुलाई में, ये मंथ रहती है जून जुलाई तक, नहीं। देन आती है श्रावण, और उनको बोलचाल में बोलते हैं सावन, सावन आती है जुलाई अगस्त में, हो गया। देन नंबर देन सिक्स में आता है भाद्रपद, उसको बोलते हैं भादो, है कि नहीं, बोलचाल में लोग गांव के लोग वो वाला यूज करते हैं ज्यादा। देन वो आते हैं अगस्त सितंबर में, इस मंथ में आता है ये, हाँ। देन आएगा अश्विन, मतलब जैसे कि उसको बोलते हैं कुंवर, है कि नहीं, और ये बोलचाल में बोलते हैं उनको कुंवर बोलते हैं। देन वो आती है सितंबर और देन अक्टूबर, ये मंथ में वो आता है, पता चल रहा है ना, अच्छे से ये पढ़ना क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये, है ना, जानना हमारे कैलेंडर को जानना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, तो इसीलिए। देन कार्तिक
को बोलते हैं कार्तिक बोलचाल में, हाँ, देन वो आता है अक्टूबर नवंबर में आता है, हो गया। देन मार्गशीर्ष वो आते हैं अगहन उसको बोलते हैं और वो आता है नवंबर दिसंबर में। देन पौष आता है उनको बोलते हैं बोलचाल में पूस, पौष से हो गया है पूस, वो आता है दिसंबर जनवरी में। देन माघ उनको बोलते हैं माह जो आता है जनवरी फरवरी में। देन लास्ट में फाल्गुन उसको बोलते हैं फागुन, है कि नहीं, उनको बोलचाल में फागुन बोलते हैं नहीं। देन वो आता है फरवरी और मार्च में। तो हमारी ये हो गया संवत अम्मा, बहुत इम्पोर्टेंट है भी ये जानना, है कि नहीं, क्योंकि कैलकुलेट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि नहीं, तो इसीलिए। तो हम नेक्स्ट में हमारे और भी है पक्षी है जैसे तिथि वार, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में उनको दिखेंगे, ठीक है।